अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे और खैर खैरियत होंगे अपने घर में। और दोस्तों अभी देखो यार, लॉकडाउन लग गया पंजाब में, सिंध में भी लगने वाला है। 21 तारीख को आई थिंक बोल रहे हैं यार, 21 तारीख को लॉकडाउन लग जाएगा। तो अभी ये है ना कि टिकटॉक भी बैन कर दिया इन लोगों ने, लेकिन बहुत सारे दोस्त हैं हमारे जो VPN पे टिकटॉक चला रहे हैं। और आपको एक बात पता चलूँ कि जब भी टिकटॉक बैन होता है ना, जो छोटे यूज़र्स होते हैं उनको एक अच्छा खासा मौका मिल जाता है ग्रो अप करने का। तो ऐसे में होता क्या है कि उनको कुछ ट्रिक्स वगैरह होती हैं वो यूज़ करनी पड़ती हैं, जो वो यूज़ करते हैं वो फेमस हो जाते हैं, जिनको नहीं पता तो वो वहीं के वहीं रहते हैं। जैसे कि हम अब मुझे एक ट्रिक पता चली है, वाकई ही वर्केबल ट्रिक है, तो वो आगे चल के मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये था कि वो करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह फ़र्क पड़ा है, जो हमारा अकाउंट है टिकटॉक वाला उसमें फ़र्क पड़ा है टिकटॉक बैन होने के बाद। तो आगे बढ़ाते हैं इस वीडियो को और अपने अकाउंट को, एक तो प्रो अकाउंट जो जैसे बनाते हैं ना तो एक सेटिंग में होता है, वो बात अलग है। लेकिन अभी एक नया अपडेट आया, उसके लिए आपको टिकटॉक जो है वो दूसरा डाउनलोड करना पड़ेगा। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, वीडियो को चलते चलते लाइक और शेयर करना है, उसके अलावा मेरे चैनल को तो लास्ट में सब्सक्राइब करना है, ऐसे नहीं जाना आपको 1K कंप्लीट कर दो तो बिना टाइम वेस्ट किए। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता चलूँ कि मैंने पिछली वीडियो में ये बताया गया टिकटॉक की जो ट्रिक है वो मैंने अपनी पिछली वीडियो में बता दी, लेकिन अभी का जो टॉपिक है वो थोड़ा चेंज होने वाला है, ठीक है। अब सबसे पहले आपको करना क्या है कि टिकटॉक एशिया डाउनलोड करना है, लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। आपको टिकटॉक एशिया डाउनलोड करना है, उसमें ये होगा कि आपको जो भी आपकी सेटिंग्स वगैरह हैं वो जो प्रो यूज़र्स होते हैं ना वो यूज़ करते हैं टिकटॉक एशिया। VPN तो आप वैसे भी लगा के चला रहे हो तो वो आपको प्ले स्टोर पर अवेलेबल नहीं होगी, वो आपको डाउनलोड करनी है गूगल क्रोम से। अब आप लोग बोलोगे यार ये वायरस वगैरह ना हो, यार देखो हम हर चीज़ का मोड तो चलाते ही हैं, ठीक है। मोड मतलब वायरस, और ये मोड नहीं है, ये ओनली टिकटॉक एशिया। जैसे ही आप डाउनलोड करोगे ना एक नोटिफिकेशन आता है कि यार ये हार्मफुल ऐप है आप इसको डाउनलोड नहीं करो, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। आपको सिंपली ये डाउनलोड करना, डाउनलोड करने के बाद आपका जो पुराना टिकटॉक है उसको आपको डिलीट कर देना है। तो आप जैसे इसको इंस्टॉल करोगे उसके बाद आपका जो टिकटॉक है वो आपको एक सेटिंग बताएगा, तो वहाँ पर एक रेड डॉट नज़र आएगा, आप वहाँ पर जाके Q&A का ऑप्शन आता है। भाई आप जो भी अभी प्रो लेवल के जो भी आप टिकटॉकर्स देखोगे ना तो उन पे Q&A का ऑप्शन आता है, वो आपकी ID में ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। तो इतनी सी वीडियो में आपको थोड़ा स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी करके दिखा देता हूँ कि आगे चल के क्या क्या आपको सेटिंग करनी पड़ेगी। तो चलिए अभी स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिखा दो, उसके बाद जो थोड़ी बहुत बातचीतें होंगी सब्सक्राइब या वो करने के लिए वो तो मैं आपको आगे चल के बोलूँगा। यार सिंपली आपको करना क्या है कि अपना जो गूगल क्रोम ब्राउजर है आपको उसको ओपन करना है और ऊपर सर्च करना है टिकटॉक एशिया। तो जैसे आप सर्च करोगे इनकी जो पहली साइट आएगी वो होगी टिकटॉक एशिया के नाम से, आपको सिंपली उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद भाई 89 MB की ये फाइल होने वाली है, बिल्कुल फ्री है, कोई इसकी कॉस्ट वगैरह आपको पे नहीं करनी पड़ेगी। 62 मिलियन लोगों ने इसको डाउनलोड किया हुआ है और टिकटॉक एशिया बिल्कुल ऐसे समझो लीगल ऐप जिसको बोलते हैं वो है। आपको सिंपली इसको डाउनलोड करना है, मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है तो मैं सिंपली आपको ऑन करके दिखाता हूँ कि भाई इसके अंदर क्या क्या माच रहा है। तो भैया इसको मैंने ओपन कर लिया है, अपनी जो आईडी है वो भी मैंने यहाँ पर लॉगिन कर दी है। तो यहाँ पर भैया जी देखो आपके भाई के 121,000.4K। तो आपको सिंपली सेटिंग्स में जाना है, सेटिंग्स में जाने के बाद क्रिएटर टूल्स आएगा ऊपर, तो वहाँ पर Q&A का ऑप्शन आएगा, वो आपको सिंपली ऑन कर देना है। देखो यार जो भी अभी टिकटॉक यूजर्स देखोगे ना उनके यहाँ पर Q&A का ऑप्शन आता है, जैसे कि अभी मैं अपनी प्रोफाइल में जा रहा हूँ, ठीक है। नीचे जो रेड कलर का Q&A का ऑप्शन है ना ये प्रो लेवल के जो लोग हैं ना वो रखते हैं ऐसा काम। तो मैंने यार एक चीज़ ये नोट किया कि जो भी इस टाइम फेमस हो रहे हैं, मतलब अचानक से जो फेमस हो गए ना तो उनकी आईडी में ये चीज़ है। ये अभी मैं अपने मैनेजमेंट अकाउंट वगैरह में जाता हूँ तो यहाँ पर स्विच टू पर्सनल अकाउंट, आपको प्रो अकाउंट पे ही रखना है इसको, पर्सनल वगैरह बिल्कुल भी नहीं करना और कोई भी छेड़खानी नहीं करनी। इसके बाद आपको मेहनत करनी है, मेहनत बस लगन से काम करते जाओ और आपकी जो मेहनत का फल है वो आपको ज़रूर मिलेगा। तो यार कैसी लगी आपको वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों को वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना, कमेंट करना और मेरे चैनल को यार 1K तक लाजमी से पहुंचा दो। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के अपना बहुत सारा ख्याल रखना। एक नई वीडियो आई है मिर्ज़ापुर की पैरोडी की है, तो जाओ और जाके वो भी देखो। खुदा हाफिज़।